हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनीवर्ड में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों सप्तमी मैम, जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने कांतारा में धमाल ही मचा दिया। लेकिन बहुत बड़ी खबर आई है दोस्तों कनाडा इंडस्ट्रीज से, सप्तमी मैम का इंट्रो हो गया है युवा राजकुमार की मच अवेटेड मूवी, उनकी डेब्यू मूवी युवा में। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दोस्तों हमारी एक्सपर्ट, बोले तो आपकी एक्सपर्ट प्रियंका जी। तो प्रियंका जी प्लीज़ इधर आ जाइए। आ गया कन्नडा का न्यूज़, सप्तमी मैम, मतलब कि आपको पता ही है कि सप्तमी मैम जो कि कांतारा में लीड रोल में थी, और आपने यहाँ तक कि उनका इंटरव्यू किया था ऋषभ शेट्टी सर और उनका भी, तो आपने वो वायरल जो पिक्चर हो रही है वो तो आपने देखा ही युवा राजकुमार के साथ। और सबसे बड़ी खबर ये है कि युवा मूवी में वो उनकी अपोजिट काम करेंगी। आपके चेहरे से स्माइल से ही लग रहा है कि आप बहुत खुश हो कि सप्तमी मैम को ये ऑफर मिल गया, वो भी हम्बल फिल्म्स वाले। तो चलिए इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे आपके साथ हम कि आपकी क्या राय है और आप इस पर क्या कहिएगा। तो प्रियंका जी, सप्तमी मैम जो कि आपने कांतारा में देखा, यहाँ तक कि उनका आपने इंटरव्यू भी किया, क्या आप उम्मीद कर रही थी कि उनकी जो नेक्स्ट मूवी हम्बल फिल्म्स में वापस से आएगी, वो भी युवा राजकुमार सार डेब्यू? मैंने ये तो एक्सपेक्ट किया था कि वो और आगे जाएंगे, बट ये मैंने नहीं सोचा कि वो दोबारा हम्बल फिल्म से आएंगे। सो आई एम सो हैप्पी कि सप्तमी मैम को एक और कन्नड़ मूवी का ऑफर मिला, एंड वो भी किसके साथ? दूसरे प्रिंस चार्मिंग आ रहे हैं, युवा राजकुमार सर तो उनके साथ आ रहे हैं, एंड उनकी मैंने एक फ़ोटो देखी है सोशल मीडिया पे, लेट मी टेल यू, वो वायरल हो रहा हो या नहीं हो रहा, बट वो देख के ना मेरा दिल धक धक करने लगा। मतलब दोनों इतने क्यूट लग रहे हैं एक साथ में, अरे यार नज़र ना लगे इनको, इतने प्यारे लग रहे हैं दोनों। तो सोचिए जब बड़े स्क्रीन पर आएंगे तो क्या होगा। सप्तमी मैम, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, कॉन्ग्रेट्स ऑन सक्सेस ऑफ कांतारा, एंड आपने जिस तरीके से उसमें परफॉर्मेंस किया था इट वॉज़ अमेजिंग। एंड उसके बाद मैंने आपकी एक और मूवी का अनाउंसमेंट सुना, द वैक्सीन वॉर जाने वाली अगस्त में, बॉलीवुड डेब्यू आपका होने वाला है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन हम्बल फिल्म से एक और आपका अनाउंसमेंट आ रहा है, उसके लिए तो आपको बहुत 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 सारी बधाई। और उनका एक लुक भी आया, आपने देखा होगा मस्त, वो लुक में आपको कैसे दिख रही हूँ मैं? अरे मैंने जब उनको ऐसे रियल में देखा था, उनसे बातें की, तो वो इतनी सिंपल लग रही थी, मतलब इतनी सिंपल थी, बट अभी उनको देखते हुए मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैं उनको ही मिलकर आई हूँ। मतलब उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, क्या बोलूँ मैं, अच्छे बोले ना, स्टार किड्स तो कचरा है उनके सामने, फिर कसम से बोल रही हूँ, उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखो, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया है। स्टार किड्स मतलब किसकी बात कर रही हूँ मैं, अनन्या पांडे, जानवी कपूर, सारा अली खान, मैं इनकी बात कर रही हूँ, उनको देखो और इनको देखो। हालांकि स्टार किड्स में मुझे दो ही पसंद है, एक आलिया भट्ट मैम और एक श्रद्धा मैम, मुझे दो ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन ये जो बाकी के जो आते हैं ना, वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अपना गोरा रंग और अपनी बॉडी दिखाने आते हैं, पर सप्तमी मैम है ना, वो जो अपना अपीयरेंस है ना, बस उनके वो फेस चार्म से ही ना लोगों का दिल जीत लेती है। सप्तमी मैम ने जो रोल निभाया था कांतारा, आपने देखा होगा कांतारा, अरे उनका रोल पूरा गांवटी का था, कोई बोलेगा ही नहीं कि वो एग्जैक्टली पूरा गांव का रोल था। इनफैक्ट वो पुलिस वाले के गेटअप में थी, उसने भी देखो बिना मेकअप के वो उन्होंने जो रोल किया था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये आगे इनका ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और उसका ट्रांसफॉर्मेशन देख के ना आई एम सरप्राइज। तो मैं ना मैम को दोबारा, अगर मुझे मौका मिला और मैं मैम से मिली, तो मैं उनसे टिप्स लेने वाली हूँ उनकी ब्यूटी का, कि वो कैसे ऐसे ट्रांसफॉर्म, ताकि मुझे भी ऐसा यू नो मैं ऐसे ट्रांसफॉर्म करती रहूँ खुद को, उनकी तरह ब्यूटीफुल लगूँ फिर, क्योंकि जब रियल लाइफ में अपन देखे तो एग्जैक्टली नहीं, वो अच्छे है, अच्छे लगते हैं वो, बट उनका पूरा अपीयरेंस ही बदल गया है, बोलते हैं जज्बात ही बदल दिया उन्होंने। एंड अभी तो लड़के तो उनके क्रश बनेंगे, लेकिन शायद वो मेरी भी क्रश बन गई है उनका ये लुक देख के, सच में, बिकॉज उनकी मैगजीन्स में आए दिन फोटोज़ देखते रहती हूँ, उनको सोशल मीडिया पे मैं फॉलो करती हूँ, तो मैंने उनके देखे हैं फोटोज़, तो उनका एक अलग अलग बोलते ना लुक है, उनका ज्वेलरी में एक उनका एक ऐड था, एंड और भी काफ़ी सारे यू नो स्टाइल में वो आए थे, आउटफिट में वो कितनी प्यारी लग रही है यार। मतलब कांतारा सक्सेस के बाद उनके पास काम बहुत सारे मिले, काम बहुत सारे, एंड कांतारा के बाद यू नो मतलब वो बोलते हैं ना शी डिजर्व्स इट, वो ही सक्सेस डिजर्व करती है, बिकॉज उन्होंने उनका भी एक इक्वल रोल था, इक्वल सपोर्ट था उस मूवी को। एंड उनसे मिलने के बाद ना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मैम जो है ना ये ऐसे बदल जाएंगे लुक में, मुझे लगा कि वो जैसे वैसे ही रहेंगे, बट नहीं यार, वो भले कितना भी बदले बट उनका नेचर नहीं बदलेगा, शी इज़ वेरी फ्रेंडली, वो बहुत अच्छी है। एंड सच में जब हमने उनसे बातें की ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं किसी एक्ट्रेस से नहीं, मेरी शायद कोई बड़ी बहन ही है जिससे मैं बात कर रही हूँ,
नहीं वो जिस तरीके से हमसे बात कर रही थी तो वो बहुत अच्छा लगा था उनके साथ इंटरेक्ट करके। एंड अब तो युवा सर के साथ है, ऋषभ सर के साथ उन्होंने नाम बना लिया, लेकिन अभी युवा सर आ रहे हैं। चले एंड में जाते जाते जो मेकर्स हैं युवा मूवी के, जी हालांकि आपको बता दूं कि रूमर है कि पैन इंडिया आएगी लेकिन कंफर्म नहीं हो पाई है और इसी साल अभी से हाथ जोड़ देती हूँ पैन इंडिया लाओ। वही बोल रहा हूँ, आप रिक्वेस्ट करो पैन इंडिया लाओ, बिकॉज अप्पू सर जब फर्स्ट टाइम आए थे, उनकी जब फर्स्ट डेब्यू मूवी थी 2002 में, उनका भी नाम अप्पू से ही हुआ था। अभी युवा सर की जो डेब्यू मूवी आ रही है वो भी युवा नाम से हो रही है। अप्पू सर की मूवी पैन इंडिया नहीं आ पाई, लेकिन आप युवा सर पैन इंडिया लाओ। देखो पुनीत सर को हम आज भी याद करते हैं, मैं चाहती थी कि युवा सर, अभी देखो ना जैसे उनका मुहूर्त शूट हुआ तब सब थे, अश्विनी मैम थे, शिवराज सर थे, ऋषभ सर भी थे, बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े थे, बस कमी थी तो पुनीत सर की। सो मैं चाहती हूँ कि शायद उनकी भी यही इच्छा होगी कि वाकई मूवी पैन इंडिया आए। सो प्लीज़ पैन इंडिया लाइए अपनी मूवी को, एंड आई एम श्योर युवा सर को जब देखेंगे लोग तो पागल हो गए, बिकॉज उनका जो लुक है ना वो इतना ज़बरदस्त है सच में। मैंने जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा कि इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट क्रश लड़कियों के, सो जस्ट वेटिंग कि उनका कोई अभी अगला अनाउंसमेंट आए। एंड मुहूर्त शूट हुआ है अभी, मैंने हाल ही में देखा सोशल मीडिया पे, सो आई एम श्योर आपका जो होमबाले फिल्म से जब भी कोई मूवी आती है वो कमाल ही करती है, चाहे कुछ भी हो वो मूवी को ना कोई गधा ही होगा जो फ्लॉप बोलेंगे सच में। बाकी हम तो यह है ही कन्नड़ा इंडस्ट्री से जो मूवी आती है उससे हमारा पुराना रिश्ता है, तो हम तो है ही ऐसे सपोर्ट करने के, जैसे अनाउंसमेंट आया हम आ गए सपोर्ट करने के लिए। सो बस इतना अभी ज़्यादा वक्त नहीं लेती हूँ मैं, बस इतना ही बोलूँगी युवा सर को कि प्लीज़ अपना बेस्ट दीजिए। सप्तमी मैम तो है ही आपके साथ, एंड शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस, बहुत सपोर्टिंग है, एंड शी इज़ अ काइंड हार्टेड नेचर गर्ल। सो बस इतना ही बोलूँगी। अभी ऑडियंस आप बताइए कि आपको सप्तमी मैम एंड युवा सर, खासकर हमारे जो कनाडा ऑडियंस है, आप बताइए कि सप्तमी मैम एंड युवा सर की जो जोड़ी अभी सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रही है वो फोटो, आपको कैसा लग रहा है साथ में देखकर? एंड सप्तमी मैम को दोबारा होमबाले फिल्म्स का ऑफर मिला है तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वो कितनी जज रही है उस रोल में, प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स में। एंड आप युवा सर के बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देना चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, एंड और कुछ सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो मेरा वाला वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए पॉल मैटिनी वर्ल्ड।